नमस्कार, प्रस्तुत है रीजनिंग का पार्ट टू वीडियो। और इस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल सीरीज के प्रश्नों को लिया है। न्यूमेरिकल सीरीज में संख्याओं का एक क्रम होता है, एक श्रेणी होता है। इसमें अंत में या कहीं बीच में एक प्रश्न सूचक चिन्ह होता है, तो उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा वो हमें दिए गए ऑप्शन में से चुनकर बताना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न किस तरह से लिखा जा सकता है? निम्न संख्यात्मक श्रेणी में उस सही विकल्प को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह के जगह आएगा। तो प्रश्न का भाषा कुछ और भी हो सकता था, अलग अलग परीक्षाओं में आप देखेंगे तो भाषा में कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन उसका अर्थ एक ही है कि इस सीरीज में जहां पर प्रश्न चिन्ह दिया गया है उसके जगह पर क्या होगा वो ऑप्शन में से चुनकर बताना होता है। और ये जो सीरीज होती है ये एक निश्चित नियम का पालन करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमें उस नियम को जानना होता है, पकड़ना होता है। तो इसके लिए आप जितना ज्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे आपको अलग अलग तरह के प्रश्नों में अलग अलग नियम आपको मिलेंगे, तो जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा। और जब परीक्षा में आपको इस तरह के सीरीज आएंगे तो पहले से चूंकि आपका अभ्यास रहेगा तो आपको उस सीरीज के नियम को यानी रूल को, जिस रूल से वो सीरीज बना हुआ है वो आपको जानने में आसानी होगा। और जब आप रूल जान लेंगे तो आंसर जानना कोई मुश्किल बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक इस सीरीज में है 4, 6, 9, 13, 18, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आप थोड़ा सा गौर से देखिए यह सीरीज किस तरह से बढ़ रहा है। तो 4 से 6, देखिए 4 में हम 2 जोड़ते हैं तो 6 आ जाता है, 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो अब देखिए 2, 3, 4, 5 ऐसे तरह से जोड़ रहे हैं, तो इस बार हम 18 में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, और 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आता है हमारा, 24 आता है। तो हमारा आंसर ये ऑप्शन नंबर 3 24 है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो यहां भी हम देख रहे हैं 4 में हम 3 जोड़ते हैं तो 7 आता है, और 7 में 4 जोड़ते हैं तो 11 आता है, और 11 में 5 जोड़ते हैं तो 16 आता है। तो इसका मतलब हम अब कितना जोड़ेंगे, 16 में 6 जोड़ेंगे, और 16 में जब 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 22। ये ऑप्शन नंबर 2। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, तो यहां 3 इसमें देखिए संख्या और अल्फाबेट अक्षर यानी अक्षर दोनों है, मिक्स है। तो पहले हम संख्या को देखते हैं, तो 3 में 3 जोड़े तो 6 आ गया, अब 6 में हम 5 जोड़ते हैं तो 11 आता है, 11 में हम 7 जोड़ते हैं तो 18 आ जाता है। तो अब इस क्रम को देखिए 3, 5, 7, तो इस बार क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, तो 18 में जब हम 9 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 27। चलिए संख्या वाला तो हमारे पता चल गया, अब जो अक्षर है उसको देखते हैं, एफ जी, एफ के बाद जी, जी के बाद ये आई है, तो इस बीच में क्या हो गया, छूट गया है, जी के बाद एच छोड़ के हम आई पर आ गए हैं, इसके बाद आई के बाद हम एल पर आते हैं, तो आई और एल के बीच में क्या छोड़ दिया गया है, आई जे के। अब देखिए एफ से जी आए तो कुछ भी कोई भी अक्षर नहीं छोड़ा गया है, जी से आई आए तो एक अक्षर छोड़ा गया है, इसके बाद 2 अक्षर छोड़ा गया है, तो इस बार जब हम आगे बढ़ेंगे तो कितना अक्षर छोड़ेंगे, 3 अक्षर, तो L के बाद क्या होगा,
एल के एम सॉरी के नहीं के बाद होगा एम एन ओ, ये तीन छोड़ देंगे एल के बाद एम एन ओ, तो अब क्या आ जाएगा यहां पर पी। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर फोर है 27 पी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या चार, तो यहां भी अंतर को देखने की कोशिश करते हैं। 23 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 29 आ जाता है, और 29 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 31 आता है, 31 में फिर 6 जोड़ते हैं तो 37 आता है, 37 में फिर 2 जोड़ते हैं तो 39 आता है। तो इस तरह से क्रम को देख रहे हैं, एक बार 6 जोड़ते हैं, एक बार 2, एक बार 6, एक बार 2, इस बार क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, तो 39 में जब हम 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है 45, तो ये ऑप्शन नंबर 4 है। अब प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, यहां अंश में है संख्या है और हर में अक्षर है, तो पहले हम अंश वाले को देखते हैं 1, 3, 5, 7, तो अब क्या आएगा 9। अब ये हर को देखते हैं सी, और इसके बाद यहां डी छोड़ के ई हो गया, यहां एफ छोड़ के जी हो गया, जी के बाद एच छोड़े तो आई आ गया, मतलब एक एक अक्षर छोड़ के है, तो आई के बाद हम क्या छोड़ देंगे जे, तो यहां पर क्या आएगा के, तो ये कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 9 बाई के। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, चलिए ये देखने से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये क्या है, ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, तो इस बार क्या आना चाहिए 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ये वाला हो गया 49 ऑप्शन नंबर 2। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए, अब यहां भी अंतर देखने की कोशिश करते हैं, 2 में 1 जोड़ दिए तो 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ दिए तो 5, फिर यहां 3 जोड़ दिए तो 8, 8 में 4 जोड़े तो 12, 12 में 5 जोड़े तो 17। तो देखिए क्रम को देखिए, 1 जोड़ रहे हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो अब क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे निश्चित रूप से, और 17 में 6 जोड़ते हैं तो क्या आता है 22, ये हमारा सॉरी 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, चलिए हमने भी जोड़ में गलती कर दी, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आप भी थोड़ा हड़बड़ी में नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर मेरी तरह से गलती हो जाएगा, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अब यहां देखते हैं अंतर, 5 में हम 6 जोड़ते हैं तो 11 आता है, 11 में 12 जोड़ते हैं तो 23 आता है, और 23 में 24 जोड़ते हैं तो 47, और 47 में 48 जोड़ते हैं तो 95। अब देखिए 6 दुना 12, 12 दुनी 24, 24 दुनी 48, दुगना करके जोड़ते जा रहे हैं, तो इस बार हम कितना जोड़ेंगे 48 दुगना हो जाए दुना 96, अब 96 को 95 में जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 और 5 11 का 1 हाथ में रहा 1, 9, 9, 18, 1, 19 यानी 191, है ना, तो ये 191 कौन सा है ये ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये देखने से भी स्पष्ट हो जा रहा है, ये 1 क्या है 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब यानी घन, ये 3 का घन, ये 4 का घन, और ये है 6 का घन, तो ये बीच में हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो 4 और 6 के बीच में क्या हो सकता है 5 होगा, 5 का घन, और 5 का घन कितना होता है 125।
अब प्रश्न संख्या 10 देखिए। अब यहां पर देखिए अंतर, ये कितने का अंतर है, 6 का, फिर यहां 6 का, फिर यहां 6, और तो फिर 12 में 6 जोड़ते हैं, फिर 18 में 6 जोड़ते हैं, फिर 24 में 6 जोड़ते हैं, तो 30 में भी 6 जोड़ेंगे, तो 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36, और 36 में फिर 6 जोड़ते हैं तो 42। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, 36। अब प्रश्न संख्या 11 देखिए। चार को हम अगर 4 से गुना करें तो 16 आता है, 16 को 4 से गुना करें तो 64। अब देखिए ये 4 4 गुना हो रहा है, तो 64 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 256, और 256 को 4 से गुना कर देते हैं तो 1024। अर्थात ये जो हमने 256 लिखा वो सही है, प्रश्न चिन्ह की जगह यही आएगा, तो ये कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये बहुत आसान दिख रहा है आपको, स्पष्ट दिख रहा है। 0 में 2 जोड़े तो 2 हो गया, 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 तो 6, 6 में 2 जोड़े तो 8, तो 8 में फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। तो ये हमारा आंसर ये वाला है, पहला ऑप्शन। अब प्रश्न संख्या 13 देखिए, यहां फिर से संख्या और अक्षर दोनों का सीरीज चल रहा है। तो सबसे पहले हम संख्या को देखते हैं, 2 2 4, नहीं अंतर देखते हैं, 2 में हम कितना जोड़ दिए हैं, 2, और 4 में फिर 4 जोड़ते हैं तो 8, और 8 में हम 6 जोड़ते हैं तो 14। तो अब सीरीज को देखिए, 2 4 6, तो अब क्या होगा, इसमें 8 हो जाएगा, 14 में कितना जोड़ेंगे, अब 8 जोड़ेंगे, तो 14 में 8 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 22 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब हम अक्षर को देखते हैं, बी के बाद सी, सी के बाद ई आया है, यानी डी को छोड़ दिया गया है, ई के बाद एच आया है, अर्थात एफ और जी छोड़ दिया गया, दो अक्षर छोड़ा गया है, तो इस बार कितना अक्षर छोड़ेंगे, 3 अक्षर छोड़ेंगे, एच के बाद आई जे के, तो अब यहां पर आ जाएगा एल, 22L, ये चौथा नंबर। प्रश्न संख्या 14 देखिए, ये फिर बहुत आपको आसान लग रहा होगा, 8 27 64 125, ये है क्या, ये 2 का क्यूब है, 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, ये 5 का घन है, तो इस बार एक क्वेश्चन की जगह क्या होगा, 6 का घन, और 6 का घन कितना होता है, 216, ये ऑप्शन नंबर 2। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 15वां, आप देखिए यहां पर घट रहा है, घटता जा रहा है, तो देखिए कुछ घटा के देखते हैं, 23 में कितना घटा दिए, 4 घटाए तो 19 आ गया, फिर यहां 4 घटाए तो 15 आ गया, इसका मतलब ये घट रहा है, तो फिर इसको देखते हैं, 15 से 4 घटाते हैं तो कितना होता है, 11, और 11 से फिर 4 घटाते हैं तो 7, यानी हमने हमने जो यहां पर 4 घटाया वो सही था, यही सीरीज चल रहा है, तो हमारा आंसर यहां क्या हो गया, 11, ऑप्शन नंबर 4। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, अभी इस सीरीज के कई और वीडियो आने बाकी हैं, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस सीरीज की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। धन्यवाद।